सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में गाइस आज हम बनाएंगे कैक्टस फार्म। तो गाइस, इस फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चार सैंड ब्लॉक्स को लेना है, और चारों सैंड ब्लॉक्स को आपको कुछ इस प्रकार लगाना है कि उनके बीच में एक प्लस का सिंबल बन जाए। सो इनको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने लगाया है इन सैंड ब्लॉक्स को। इनके बीच में एक प्लस का सिंबल बनना चाहिए। ये बनने के बाद आपको एक ब्लॉक का गैप रखना है, और इनके चारों तरफ एक वॉल बना देनी है। कोई भी सॉलिड ब्लॉक यूज कर सकते हो, तो मैं कोबल स्टोन यूज कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी हमारी जो है वॉल है वो चारों तरफ लग चुकी है। तो अभी एक साइड में हमें किसी भी इसकी एक साइड है उसमें एक वाटर बकेट डालनी है। तो ये हम वाटर बकेट डाल देते हैं। तो फिर आपको एक ऐसा जो है कोने में कोई जिस भी साइड डालोगे उसकी अपोजिट साइड में आपको एक ऐसे खाली मिलेगा जहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। तो आपको वहाँ पर उस ब्लॉक को तोड़ना है, और वहाँ पर आपको होपर लगाना है। और होपर को वाइज आपको कुछ इस टाइप से लगाना है कि उसके सामने वाले जो ब्लॉक है उसमें कनेक्ट हो। तो मैंने होपर को इसमें गिरा कर देख लिया है कि इसके अंदर चला गया। तो इसके बाद हम इसके सामने लगाएंगे एक चेस्ट, और अभी चेस्ट को खोलते हैं और इसमें होपर है। तो ये फार्म अभी सही काम कर रहा है जहाँ तक हमने इसे बनाया है। तो इसके बाद हमें चाहिएगा एक फेंस लेते हैं। फेंस को इसके सामने लगा देते हैं। तो फेंस भी हमारे लिए ये गलत फेंक दिया है। तो फेंस भी इसके सामने लगा देते हैं ताकि कुछ अच्छी लुक आ जाए। तो अभी लगाएंगे हम कैक्टस। तो अभी हमें इन चारों सैंड ब्लॉक्स पर कैक्टस लगाएंगे। हमने कैक्टस लगाने के लिए सैंड ब्लॉक इसलिए लिया गया क्योंकि कैक्टस है वो डेजर्ट में ही होते हैं, और वहाँ पर सैंड होती है। तो डर्ट में हम कैक्टस नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। वो और सैंड आपको रिवर के पास मिल जाएगी, और वाटर स्टोन आपको आसानी से कहीं पर मिल जाएगा। तो ये ओक फेंस है। हमें ओक फेंस को कुछ ऐसे लगाना है कि इनके बीच में एक प्लस का सिंबल बने। तो अभी देख सकते हो आप, मैंने इसे लगा दिया है, और यहाँ पर अब इसको कैक्टस के ऊपर भाई ओक फेंस नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये धीरे धीरे कैक्टस बड़े होंगे, और अनलिमिटेड टाइम के लिए गाइस आपको कैक्टस मिलते रहेंगे। जैसे ही कैक्टस बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली टूट कर पानी में गिरेगा। पानी में गिरने के बाद वो होपर में आएगा, होपर से वो चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटा फार्म है, और गाइस मैं कहूँगा कि आप इतना छोटा ना बनाएं, आप इसे थोड़ा बड़ा बनाएं। तो मैं जल्द से जल्द आपको दिखा देता हूँ, कम से कम आपको इसे लगभग इतना बड़ा बनाना चाहिए। तो अभी मैंने इस फार्म को लगभग इतना बड़ा बना दिया है। तो आप इसे ऐसे अपग्रेड भी कर सकते हो, और गाइस इसे आप 3 या 4 फ्लोर तक भी बना सकते हो। तो मैंने तो इसे छोटा ही बनाया है क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। लगभग इसमें मुझे जितने कैक्टस चाहिए उतने कैक्टस मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।